मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा परिवर्तित संकल्प अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसी अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 18 तारीख को बदनावर सब्जी मंडी परिसर में पहुंचेंगे। कमलनाथ की जनसभा में क्षेत्र के अधिकाधिक मतदाताओं के शामिल होने हेतु पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने शनिवार को बदनावर विधानसभा में भ्रमण कर आम मतदाताओं को सभा में पधारने हेतु निवेदन किया गया। बाला बच्चन ने पलवाड़ा, खिलेड़ी, किशनपुरा, भरतगढ़ सहित कई गांवों का दौरा किया गया। 16 जिले में चलाए जाने वाले परिवर्तन संकल्प अभियान की शुरुआत कमलनाथ बदनावर में 18 मई को करेंगे। पलवाड़ा में केसुर ब्लॉक के मंडलम एवं सेक्टर प्रभारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परिवर्तन संकल्प अभियान प्रभारी बाला बच्चन, पूर्व जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम, हरिनारायण सिंह पवार, जिला पंचायत सदस्य अशोक दावर, निर्देश सोनगरा आदि सहित कई पदाधिकारी मंचासीन थे। अभियान प्रभारी बाला बच्चन ने कहा कि धार जिले सहित 16 जिलों में परिवर्तन संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत धार जिले के बदनावर से कमलनाथ करेंगे। नारी सम्मान योजना में प्रदेश की सभी महिलाओं को शामिल करते हुए प्रतिमाह 1500 रुपए की राशि भी दी जाएगी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में मिलेगा। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। बच्चन ने मंडलम सेक्टर अध्यक्षों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह जनसभा न होकर प्रदेश में परिवर्तन अभियान है। अधिकाधिक मतदाताओं को अभियान से जोड़ने का काम आप लोगों को करना है। पूर्व जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम ने कहा कि क्षेत्र की जनता द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित होकर कमलनाथ के हाथ मजबूत करने में आप अपना योगदान दें। केसुर ब्लॉक से अधिक लोगों के सभा में पहुँचने की अपील की गयी। हरिनारायण सिंह पवार ने भी संबोधित किया। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। हमारे बीच में उपस्थित पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री बालमुकुंद सिंह गौतम जी, आदरणीय शरद सिसोदे जी, आदरणीय श्री हरिनारायण सिंह मजुमदार जी, अशोक भाई डावर जी, निर्देश भाई, आदरणीय हमारे भाई मनीष बोकड़िया जी और उपस्थित हमारे नड्डा जी और हमारा कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार बलवाड़ा के और आसपास के हमारे उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस पार्टी का परिवार। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को सभी का हम जो सुनील जी भी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, हम हमारे भाईजान और सभी आप लोग यहाँ उपस्थित थे। क्या बताएं, मंडल अध्यक्ष, आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और कल की जो कर्नाटक की जो जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी की शानदार जो जीत हुई है, उस जीत के लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मेरी भी वहाँ पर ड्यूटी लगी थी, जैसा कि अशोक डावर जी भी वहाँ आए थे, मेरी भी ड्यूटी थी, जीतू भाई पटवारी जी भी थे, एक अपने उमंग सिंगार जी भी थे, अशोक भाई भी वहाँ आए हुए थे। माहौल और वातावरण अच्छा था और जीत की उम्मीद थी और अच्छे वोटों, अच्छी सीटों से जीत गए हैं, लगभग 100। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।